हाय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स आजकल काफी न्यूज में रहा है। इस वीडियो में हम उसे ही डिस्कस करेंगे। अभी 3 जनवरी 2023 से विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स क्रूड ऑयल पर बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 1700 टू 2100, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स ऑफ डीजल और ATF पर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स इन डिटेल। विंडफॉल विंडफॉल होता है जब किसी कंपनी को अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं या अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होते हैं जिसके लिए उसने कोई खास एफर्ट नहीं डाला होता। जब हम ऐसे प्रॉफिट को टैक्स करते हैं उसे विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स कहा जाता है। आखिर एनर्जी प्राइसेस इतनी बढ़ क्यों गई? ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का रीजन क्या है? पहले तो कोविड पैंडेमिक के चलते सप्लाई साइड में सप्लाई डिसरप्ट हो गई। लॉकडाउन्स, बिजनेस क्लोजर्स और इन्फेक्शंस की वजह से लेबर सप्लाई और प्रोडक्टिविटी कम हो गई। साथ के साथ डिमांड साइड पे लेऑफ्स, लो इनकम की वजह से हाउसहोल्ड की कंजम्पशन कम हो गई और फर्म्स की इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब इस रिसेशनरी टाइम में गवर्नमेंट्स को पंप प्राइमिंग करनी पड़ी, जिसके चलते उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट्स कट किए, टैक्सेस कट किए और लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और उससे इन्फ्लेशन आती है। तो जो इकोनॉमी ने रिकवरी ली कोविड पैंडेमिक के बाद, उससे एनर्जी सेक्टर में टाइटनिंग हुई या प्राइसेस बढ़ गए। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से प्राइसेस और बढ़ गए क्योंकि सप्लाई डिसरप्ट हो गई। EU और US ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। अब एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई और गवर्नमेंट का मानना है कि इन बढ़ी हुई प्राइसेस में जो एनर्जी कंपनीज हैं वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स गेन कर रही हैं जिनको टैक्स करना जरूरी है। सो व्हाट आर सम पॉइंट्स इन फेवर ऑफ द विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का मानना है कि इस टैक्स को लगाना जरूरी है क्योंकि एक तरफ जहां लोग सफर कर रहे हैं, बेसिक नीड्स नहीं मीट कर पा रहे हैं, वहां पे इन कंपनीज का अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कमाना इमोरल है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दी है कि हमें ये टैक्स लगाना पड़ा क्योंकि जो रिफाइनरीज थी वो एक्सपोर्ट करके हाई इंटरनेशनल प्राइसेस का बेनिफिट लेना चाहती थी, ना कि लोकल डिमांड को मीट करना। ओके, सो व्हाट आर द पॉइंट्स अगेंस्ट विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स? सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो रिफाइनरीज हैं वो एक कंपेटिटिव मार्केट में है। ऑल्सो उनकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने में कॉस्ट आती है, जिसके चलते जो मार्जिन्स बढ़ते हैं उनके, वो तभी बढ़ते हैं जब वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हम उसे विदाउट एफर्ट गेन नहीं कह सकते। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब मार्केट में प्राइसेस हाई चल रही थी उस टाइम स्टेट ओन्ड फर्म्स ने फ्रीज कर दिया पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को, तो हमारी बाकी प्राइवेट फर्म्स उसकी गेन्स को रीप नहीं कर पाई। जो स्टेट ओन्ड फर्म्स थी वो तो लॉस में गई ही, प्राइवेट फर्म्स ने क्या करा, उन्होंने अपना नो स्टॉक दिखाना शुरू कर दिया। बट गवर्नमेंट ने अपना डिक्टेट चलाया और कहा कि अपनी मिनिमम सप्लाईज आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो कंपनीज का कहना है कि जब 2020 में कोविड पैंडेमिक के चलते वो लॉस इनकर कर रही थी, तब तो उन्हें खुद लॉस बेयर करना पड़ा, तो अब वो अपने प्रॉफिट शेयर क्यों करें? IMF का कहना है कि ब्रॉडर कंज्यूमर सब्सिडीज देना एक अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि उससे एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, हाई इनकम ग्रुप्स एनर्जी को वेस्ट करेंगे और इन्फ्लेशन फर्दर बढ़ेगी। इससे बेटर है कि वल्नरेबल सेक्शंस को कैश ट्रांसफर्स दी जाए। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स के अगेंस्ट एक और पॉइंट ये है कि ये इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा इन द एनर्जी सेक्टर और हमें फिर ऑयल और नेचुरल गैस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, विच विल इन्फ्लेट आवर बिल्स। ऑल्सो जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में है विद सम ऑयल कंपनीज, जिसके चलते क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीपल, दैट इज नेट इनकम पर इन्वेस्टमेंट, जब बढ़ती है तो परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो भी बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली उस
प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता है। अब जब वो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाएंगे तो कंपनीज का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा और वो कम हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाया करेगा। तो एक तरफ गवर्नमेंट दे रही है और दूसरी तरफ ले रही है, तो क्या ये पॉलिसी यूजफुल है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनीज आर्ग्यू करती हैं कि सिर्फ हम पर ही क्यों विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया जा रहा है, जब आयरन, गोल्ड इन सब के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उन पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स क्यों नहीं लगता? सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द डिस्कशन ऑन विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। फ्रॉम माई साइड आई हैव ट्राइड टू कवर बोथ साइड्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Also mention in the comment section what you feel about windfall profit tax, and stay tuned for more exciting videos.